नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ लोहड़े में, जिसके यहाँ पे आपको पीछे बोर्ड दिख रहा होगा है लोहड़े का। इसके पीछे क्या लिखा है, नांदे 3 किलोमीटर, सुसिया से 10 किलोमीटर है, शायद हिंजेवाड़ी और ज़्यादा होगा। और इधर से देखिए सुंदर ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, एकदम ब्यूटीफुल। ये कोने में इधर हिंजेवाड़ी दिखता है, और इधर इसके पीछे पिरंगुड़ दिखता है। पीछे सीधा देख रहे हो तो पिरंगुड़ भी दिख जाएगा। तो अभी यहाँ से एक ब्लॉग बना रहा हूँ, एक ब्लॉग यहाँ से होगा मेरा लवड़े से लेके, मैं बना रहा हूँ लवड़े का बस स्थान के, लवड़े से गोल्डन ब्रिज या हिंजेवाड़ी तक का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी देखते हैं कितना देर में पहुँचते हैं अपन। तो अभी बराबर बजे है, टाइम हुआ है घड़ी में मेरे जो कि टाइम है 6:45, 6:45 हुए अभी। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस हिंजेवाड़ी को, और मस्त एकदम खूबसूरत अभी सनसेट हो चुका है, और ये पानी अच्छा है ऐसे छोटा सा, ये बोलते हैं ऐसे ओढ़ा या अपन जैसे छोटा सा कैनल जैसा है, और जैसे अपन जा रहे हैं अभी। मैं लोहड़े में अभी तक मेरा बाइक स्टार्ट कर ले, अभी भी इधर पानी है, इधर बारिश है, इसलिए मैं आगे आगे के बोल रहा हूँ। तो लाइट चालू कर लिया भाई, देखिए कितना खूबसूरत है, इधर पूरा पीछे लिया हो गए हैं। हो गया है पूरा, और इधर सीधे देखे, इधर इस तरह जो लाइट लगे हैं ये सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का ही है। और मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, अभी दोनों तरफ मेरे घर भी है, खेत भी है, मस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है बेसिकली। और स्पीड ब्रेकर भी है रोड में, और यहाँ पे एकदम नेचुरल जो फसल की जाती है, नेचुरल एकदम खेती की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे मस्त एकदम जो भी सब्जी वब्जी बहुत अच्छी सस्ती में मिलती है, क्योंकि खुद यहाँ पे जो भी किसान है खुद बेचता है, यहाँ पे किसान अपनी फसल खुद बेचता है। यहाँ पे बहुत जगह पे, मतलब गांव में ऐसा ही होता है, बहुत जगह पे गांव में किसान खुद की फसल खुद बेचता है। तो सीम यही भी यहाँ पे भी है, और ये जिससे बहुत हिंजेवाड़ी साइड के कुछ लोग घूमने को आते थे, ऐसे बहुत सारा ये लेके जाते हैं ऐसे भाजीपाला। तो स्वर्गीय संतोष पप्पू भाऊ हीरामन गावड़े प्रवेशद्वार गावड़ेवाड़ी, ये प्रवेशद्वार है, यहाँ पे गावड़ेवाड़ी है लवड़े का। तो मस्त है यहाँ पे, देखो बहुत बारिश होता है, इसलिए आप घरों पे भी देख सकते हैं, घरों के छत के ऊपर भी छोटे छोटे ये आए घास जैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है इधर, इसलिए तो यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा राइस लगाते, बहुत राइस लगाते लोग यहाँ पे। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ मस्त एकदम, जाना है मुझे महादेव के मंदिर में, मेरे महाकाल के मंदिर में मुझे जाना है, यहाँ पे श्री गणेश बप्पा का मंदिर है यहाँ पे। और मैं अभी आगे जा रहा हूँ, ओ भाई बस 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 आ गया यार, तो इधर बस भी आता है, तो ऐसा सीन है। आगे बढ़ रहा हूँ, अरे क्या चुंदरी गई चुचुंदा, और मैं आगे जा रहा हूँ।
आगे आ गया। जैसे कि आपको देख रहा होगा अभी अंधेरा हो रहा है पूरा, तरह किसी नहीं हुआ है, 7:30 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाएगा। तब तक अपना जितना लाइट है उतने में अपने को पहुंचना है इंजेवाड़ी वापस। बस कुछ काम से आया था, वैसे तो घूमना भी तो मेरा काम ही है, तो कुछ काम से आया था, काम से आके मैं वापस चला जा रहा हूँ। स्पीड 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 वॉक्सवैगन गया अभी जस्ट मेरे साइड से, और मैं लगभग आ गया सांदे में। ओ मेरी जाना, जैसे कि ये ब्रिज क्रॉस करेंगे फिर से लग जाएगा चांदे, तो अपन आ गए चांदे में वापस से दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीट लाइट जल गए हैं यहाँ पे चांदे में, सॉरी नांदे में, चांदे नांदे नांदे में आया हूँ मैं, सॉरी कब से बोले जा रहा हूँ मैं, लेकिन नांदे सॉरी 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 चांदे सूस नांदे यहाँ से 2 किलोमीटर है नांदे से, नांदे गांव से मतलब। तो अभी मैं नांदे गांव से, तो नांदे गांव नांदे में हूँ मैं अभी। यहाँ पे मैं आ गया और अभी मैं जा रहा हूँ हिंजेवाड़ी की तरफ। तो हिंजेवाड़ी की तरफ जाते टाइम पहले तो मुझे लाइट्स ठीक लग रहे हैं, आगे लाइट्स नहीं है ऐसा लग रहा है। ओके भाई इधर देखिए अपना साथ था स्ट्रीट लैंप्स का, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ से ख़त्म है और यहाँ से अपना लाइट ही सब कुछ है। तो चलो भाई लोग गड्ढे 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 मैं बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं पहुँच गया हूँ